मेरी शुरुआत हिंदी से हुई, लेकिन मैं भोजपुरी में आई भी, और मैंने बहुत सारे बच्चों की मतलब शुरुआत हमारी हुई, मनोज तिवारी, रवि, सबकी माँ बनी। और माँ क्या होती है, वो चाहे लंदन की माँ हो या इंडिया की माँ या किसी गांव की माँ हो, माँ एक बुनियाद होती है। माँ ही है जो पता लगता है कि हम क्या हैं। तो इस फिल्म में जो इनका टाइटल है ललनवा, जुगजू जीवन ललनवा, पहला शब्द शायद ये माँ की आत्मा का ही होता है कि मेरा बच्चा जुगजुग जी है। तो इससे पता चल गया कि हमारी फिल्म क्या है, इसकी बुनियाद ही जो इतनी खूबसूरत है, इतनी मजबूत है और इतना संस्कारी है कि फिल्म के बारे में और क्या कह सकते हैं। निश्चित रूप से अच्छी फिल्म होगी। हाँ, दिलीप जी से हमारी मुलाकात बहुत दिनों के बाद हुई, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और मैं हमारा सौभाग्य है कि हम लोग इस फिल्म में उनका आगमन हुआ और उनका आशीर्वाद मिला। टाइटल को लेके बहुत अच्छा सोचता हूँ मैं। कई बार मेरी ये बहस होती है लोगों से कि आप लोग हिंदी की पुरानी फिल्मों के टाइटल क्यों रखते हैं, क्या भोजपुरी टाइटलों की कमी हो गई है, क्या प्रॉब्लम है? लोग घिसे पिटे तौर पर जो हिंदी फिल्में हैं उनके टाइटल ले लेके चले आ रहे हैं। तो ये अपना एक देशी टाइटल पूरा जुग जुग जिया हो ललनवा, मैंने जब पढ़ा और जब इस फिल्म के बारे में बात हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह के ही टाइटल हमारी फिल्मों के होने चाहिए। और इसकी कथा वस्तु जो है, राकेश त्रिपाठी जी इस फिल्म के राइटर हैं, उनसे जो कुछ मैंने सुना है तो टाइटल पर बिल्कुल सटीक बैठती हुई कहानी है इसकी। बाकी तो बहुत ज़्यादा खुलासा मैं नहीं कर पाऊँगा, राकेश जी बताएंगे बेहतर, लेकिन एक बेटे और बाप के संबंधों पर आधारित पूरी कहानी है। और निर्देशक महोदय जो हैं हमारे, बहुत हिट सीरियल्स बनाए हैं, घर पहुंचा द देवी मैया, मैं देखता था उस समय, मेरा भी महुआ पर कलुआ डी चल रहा था, इनका ये चल रहा था, पुष्पा जी ने काम भी किया है, तो मैं उनका भी फ़ैन हूँ, उनके काम का फ़ैन हूँ, और आज मुझे ये मौका मिला है कि उनके साथ काम करूँगा। बस इस फिल्म के लिए तमाम शुभकामनाएँ हैं सभी साथी कलाकारों को और तकनीशियनों को जिनके साथ हम लोग काम करने जा रहे हैं। देखिए, जब मैंने ये डाला था कि बम्बई में 10 साल हो गए, उसका एक छोटा सा कारण था। कारण ये था कि जो रिटायरमेंट का समय है, 50 साल की उम्र में मैं बॉम्बे आया, जबकि लोग बिस्तर समेट के बहुत लोग चले जाते हैं और आने का सही समय बोलते हैं कि यार 22-23 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में बॉम्बे आना चाहिए, लेकिन मैं 50 साल की उम्र में आया क्योंकि जो पारिवारिक जिम्मेदारियाँ थी, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, सेटल करना, वो करने के बाद आया। और 10 साल में तभी मुंबा देवी ने मुझे यहाँ रखा और मैं आप लोगों की दुआ से अच्छा काम कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि ये लिखना चाहिए कि अभिनय के लिए या काम करने के लिए उम्र कोई बाधा नहीं है। आज मुझसे भी सीनियर लोग बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है। अमित जी को सबसे अच्छी तरह देखता हूँ मैं, मतलब क्या भाग्य लेके और क्या कर्म लेके वो आदमी पैदा हुआ है। अभी उनके रैम शो का एक वीडियो देख रहा था, क्या ऊर्जा दिखाई देती है, 75 साल की उम्र में वो आदमी क्या काम कर रहा है। तो मैं ये आने वाले लोगों को बताना चाह रहा था जो बहुत जल्दी हिम्मत हार के चले जाते हैं। इसलिए मैंने लिखा था कि 10 वर्ष बम्बई में मुझे हुए, बस इसका कहने का यही तात्पर्य था। और आगे भी काम करता रहूं, आप लोग ये आशीर्वाद दें। प्लैनेट भोजपुरी।